आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे नवंबर 2022 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है मोटोरोला H5G 2022। इस मोबाइल में आता है एंड्रॉइड वी 12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल एचडी ओलेड डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और यह सभी को पावर देगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1050। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+13+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 30 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 24 नवंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Realme Q6 5G। इस मोबाइल में आता है Android V 12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 512GB आप इसको एसडी कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 67 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 13 नवंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है Honor X40i। इस मोबाइल में आता है Android V 12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और यह सभी को पावर देगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 44 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 नवंबर। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Xiaomi Redmi Note 11 SE 5G। इस मोबाइल में आता है Android V 12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यह सभी को पावर देगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 48+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 512GB आप इसको एसडी कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 12,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 23 नवंबर। हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Vivo Y22s। इस मोबाइल में आता है Android V 12। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.55 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यह सभी को पावर देगा स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 1TB आप इसको एसडी कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 14 नवंबर। तो दोस्तों थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।